आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज हम देखेंगे एक ऐसा असरदार उपाय जिस 2 मिनट के काम को करने के बाद आपके बिगड़े काम बनेंगे और आपके बनते काम बड़े होंगे और आपके जीवन में आएगा एक अलौकिक आशीर्वाद का शक्ति। कहते हैं कि कई बार बड़े बड़े खजाने छुपे हुए गुफाओं के बाहर एक उस गुफा को बंद करने के लिए एक पत्थर लगा होता है, जो पत्थर को हटा देता है। पत्थर हटने के बाद गुफा के अंदर जो माल खजाना है उसका वो हकदार बन जाता है। वैसे ही एक छोटा सा उपाय आज आपके जीवन में खजाने का अड़चन बने हुए पत्थर को हटा देगा और वो पत्थर हटने के बाद आप बनेंगे निश्चित रूप से आशीर्वाद रूपी खजाने के स्वामी। और इसलिए इस नवरात्रि में जो ग्रह संयोग आया है, ये संयोग में एक छोटा सा शास्त्रों में बताया हुआ ऐसा उपाय जिसको करने के बाद आपके कुल देवता, इष्ट देवताओं को जगना पड़ेगा और जग के आपके लिए सोचना पड़ेगा और सोच के आपके लिए कुछ करना पड़ेगा, करके आपके लिए कुछ देना पड़ेगा। ऐसा एक दिव्य शक्ति आपके सामने प्रकट होने वाला। कहते हैं कि नवरात्रि जिस दिन से शुरू होता है उस हिसाब से देविक शक्तियां अलग अलग वाहनों में सवार होके आती है और ग्रह संयोग के हिसाब से विभिन्न उपायों से भक्तों को फल देती है। कोई आदमी अखंड दिया करके जिंदगी भर साधना करता कुछ नहीं पाता और कोई आदमी छोटा सा एक दीपक करके बहुत कुछ पा लेता है। उपाय की सटीकता और समय की निर्धारण से कई काम सिद्ध हो जाते हैं। आप कितना कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय का संयोग, ग्रहों का संयोग, उस ग्रह संयोग में चढ़ाए गए चीजों का विशेषता वो तुरंत दैविक शक्ति को आकर्षित करके अपने सामने खड़ा करता है। अगर वो ज्ञान किसी में हो जाए तो छोटे से उपाय से बहुत बड़ा लाभ इंसान ले सकता है और वरना बहुत बड़ा परिणाम पाने के चक्कर में बहुत साधना करके भी कुछ पाता नहीं है। एक आदमी भूसा मन भर खा के जो शक्ति नहीं पाता, एक आदमी बादाम एक टुकड़ा खा के उतनी शक्ति पा लेता। कितना खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या खाते हो ये महत्वपूर्ण होता है। इस बार के जो शनिवार के दिन 2 तारीख अप्रैल को जो ग्रह संयोग आए हैं और नवरात्रि शुरू हुई है, इस दिन पर एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं आपको। इसको आप अपने इष्ट देवता को या कुल देवता को किन्हीं के चरणों में ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय करने के लिए आप सबसे ज्यादा घर में इष्ट देवता को मानते हैं तो उनके चरण में कर सकते हैं, कुल देवता को मानते हैं तो उनके चरण में कर सकते हैं। और खास करके कुल देवता या इष्ट देवता दोनों पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकते हैं आपके इष्ट देवता। कई लोगों के नारायण, विष्णु, बाल गोपाल आदि की वो पूजा पाठ करते हैं, कई लोग देवी माँ की आराधना, पद्मावती जैसे माताओं की आराधना करते हैं इष्ट के रूप में। इष्ट पुरुष हो या स्त्री, वैसे ही कुल देवता भी कई लोगों के स्त्री होते हैं, कई लोगों के पुरुष होते हैं, स्त्री देवता हो या पुरुष देवता हो। और इनमें किसी के भी आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं घर में, उन एक पर भाई मैं कुल देवता को ज्यादा मानता हूं, सबसे ज्यादा श्रद्धा उनकी करता हूं, तो ये उपाय उनके चरण में करें। इष्ट देवता को मैं ज्यादा मानता हूं, मैं इष्ट देवता को सब कुछ मानता हूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं अपने इष्ट को बड़ा मानते हैं, तो इष्ट के चरण में ये चीज चढ़ाएं। दोनों के चरण में, किसी के भी चरण में ये चीज आप चढ़ा सकते हैं। जब ये करेंगे आप तो आपके लिए बहुत बड़ा एक लाभ होगा कि उस देवता की शक्ति आकर्षित होके आपके लिए विचारेगी और आपके घर के लिए थोड़ा कुछ न कुछ विशेष रूप से कार्य शुरू हो जाएगा, जिस कार्य को देख करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 2 तारीख अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 8:30 बजे से पहले ही कलश स्थापना करने वाले, पूजा करने वाले कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जो वैद्युत योग आ रहा है उसमें कोई प्रकार के शुभ कार्य करने जैसा नहीं है। तो सूर्योदय के बाद, स्थानीय सूर्योदय के बाद से आप सुबह में ही पहले अपनी जो जिस प्रकार से आप परंपरा से, रीत रिवाज से पूजा करते हैं, कलश अगर स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना करें, या कुल देवता इष्ट देवता की नवरात्रि की पूजा करनी है तो चैत्रीय ये वासंतीय नवरात्रि का सुबह का पूजन करें, वो आप अपने हिसाब से करें।
फिर सूर्यास्त के समय पुनः एक बार आपको उस दिन पूजा करना है, उसमें भी आप लाल कुमकुम की टिक्की माँ को या देवताओं को चंदन की टिक्की और उसके बाद पुष्प चढ़ाना, धूप दीप करना, नैवेद्य फल चढ़ाना, क्योंकि नवरात्रियों में कम से कम दो बार पूजा होनी चाहिए सुबह और संध्या में, तो घर में वो दैविक शक्ति अधिक आकर्षित होती है। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो उपाय उसके बाद में करना है। आप उस दिन शनिवार होने से शनि ग्रह बलवान है, उस समय में मैं बोलूं जो चीज को आप देवी के चरण में या देवता के चरण में चढ़ा दोगे, भले ही वो इष्ट देवता हो या कुल देवता, उनके चरण में वो चीज चढ़ा दोगे तो तुरंत उस शक्ति को आकर्षित होकर उस जगह में आशीर्वाद देना पड़ेगा, और वो आशीर्वाद आपको एक महीने, दो महीने, तीन महीने, छह महीने, साल भर बाद भी समझ में आएगा कि इसका आशीर्वाद इस प्रकार से मेरे जीवन में फलीभूत हुआ है। संतों की वाणी को बड़े विश्वास से सुन के उस कार्य को आप सिद्ध कर लो, क्योंकि संत समाज मानव कल्याण के हित का सोच समझ करके उपाय बताता है, उसको और कोई लोभ नहीं होता है। इसलिए आप बड़े विश्वास से मेरे बताए हुए इस उपाय को अवश्य करें और अन्य लोगों को भी बोल के निश्चित करवाएं। छोटा सा उपाय में बहुत बड़ा आशीर्वाद का खजाना छुपा है। अब आपको सुबह में 2 तारीख को एक पूजा करनी है, शाम में एक पूजा करनी है। ध्यान रखना, आप सुबह शाम पूजा नहीं किए हैं तो ये उपाय मत करना, क्योंकि ये उपाय उन्हीं को है जो भक्त हैं, देवताओं को मानते हैं। खाली उपाय करके कुछ निकालने के चक्कर और लोभ में आप इस उपाय को करोगे तो कुछ नहीं आएगा। सुबह में आपने एक बार पूजा की होनी चाहिए, देवी हो तो कुमकुम का टीका, पुरुष देवता हो तो चंदन का टीका करके उसके बाद पुष्प चढ़ा के धूप दीप करके नैवेद्य फल सुबह भी चढ़ाएं, शाम में भी चढ़ाएं, और कलश स्थापना करने वाला हो तो कलश पूजा, कलश स्थापना करें। ये दोनों करने के बाद ही इस उपाय को करना। खाली उपाय करके देवों का यूं मैं चमड़ा निकालूंगा तो कोई देवता आपको अपना चमड़ा निकालने देने वाले नहीं है, भक्ति का ही फल मिलना है। इसलिए आपको समझ करके अच्छे से सुबह में पूजा करनी है। सूर्योदय के बाद से 8 बजे तक आप पूजा करें सुबह का, और शाम को सूर्यास्त के बाद से आधा घंटे के अंदर पूजा करें। सूर्यास्त हो गया तुरंत आधा घंटे के अंदर दूसरी पूजा करें। ये दोनों पूजा आपकी शक्ति अनुसार राजसिक या सात्विक साधारण रूप से एक छोटा सा लड्डू, एक केला चढ़ा के भी कर सकते हैं। पूजा में महत्व आपकी श्रद्धा और भक्ति की है, ना कि सामग्री की संख्या की। इसलिए आप शक्ति है तो भक्ति भरपूर करो, नहीं है तो कम से कम जो है उसको चढ़ा के कातर बन के उनको पुकारो। अब ये हो गया, उसके बाद शाम को बराबर 8:25 से लेकर के 9 बजे के अंदर मैं जो उपाय बोल रहा हूँ इसको करना। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज लानी पड़ेगी, उसमें पहला है काला अभी। अभी कई लोग मेरे को बोलेंगे हमारे इष्ट को जाते हैं तो हम काला नहीं पहनते, हम काला नहीं करते, हमारे को काला चलता नहीं। आपको बता देता हूँ कि जिनके इष्ट देवताओं में काला नहीं चलता है वो सब उन भक्तों के लिए है, ना कि वो भगवान के लिए है। भगवान ने सभी रंग बनाया है, भगवान पर सब चढ़ सकता है, और कई देवताओं के काले वस्त्र नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैं चीजें मंगल चिन्ह बता रहा हूँ ये सभी कुल देवता, इष्ट देवता, दुनिया में जो भी है सबको चढ़ते हैं। मात्र कुछ देवताओं को काले वस्त्र नहीं चढ़ते, लेकिन उनको भी देवियों को काला मंगल सूत्र वगैरह तो सबको चढ़ता ही है, काला काजल वगैरह सबको चढ़ता ही है, और काजल मंगल सूत्र पहने बगैर कोई देवी रहती नहीं है। इसलिए ऐसे काले चलते हैं, काला वस्त्र नहीं चलता देवताओं को। और भक्तों को जो जो नहीं चलता है वो अलग है, मैं भक्तों को चढ़ाने नहीं बोल रहा हूँ, देवताओं को चढ़ाने बोल रहा हूँ। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ 33 कोटि वर्ग के सभी देवताओं को वो चलेगा, शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ। इसलिए आप निसंकोच होकर के ये चीजें अपने इष्ट कुल देवता को चढ़ा सकते हैं। पहले आपको लाना है थोड़ा सा काला अबीर का, पहले ये चीजें आप खरीद के अपने पास रख लें ताकि उस समय पर बागा बागी नहीं हो जाए। थोड़ा सा काला अबीर आपको लाना है, 5 रुपए में तो पूरा बॉटल मिलता है, 1-2 रुपए मिलता है। असली काला अबीर होना चाहिए, कोई काला रंग का पाउडर लेके नहीं आ जाना है, काला अबीर होना चाहिए। ये काला अबीर ले लेना है आपको, पहले काला अबीर लगेगा, काला अबीर के साथ साथ आपको लगेगा ये नीला पुष्प,
आप ये पुष्प देख लीजिए, इसको हम लोग शंख पुष्पी भी बोलते हैं, नीले रंग के पुष्प होते हैं, इसको हम शंख पुष्पी भी बोलते हैं। वो बहुत जरूरी है ये पुष्प होना, ये कहीं भी किसी घर में या कहीं गलियों में बेल में उगता है ये पुष्प, एकदम आपको जरूरी पड़ेंगे, कम से कम एक हो, एक मिल जाए तो भी, नहीं मिला तो एक काफी है, मिल गया तो 8 चढ़ाना है, अगर मिल गया तो 8 चढ़ाना है, नहीं मिला तो एक तो कहीं से पकड़ के पास, गांव से कहीं आसपास जाके कहीं से भी ढूंढ के लाना है, क्योंकि इसकी शक्ति उस दिन ऐसे काम करेगी कि 1000 टोटके किए और एक तरफ हुआ, और ये एक काम उस दिन नवरात्रि के प्रथम दिन देवी की स्थापना के दिन एक महत्वपूर्ण दिन हुआ। इसलिए आपको ये अपराजिता भी बोलते हैं, इसको आप अपराजिता बोल के भी कहीं ढूंढ सकते हैं, शंख पुष्पी भी बोलते हैं, इसको शंख पुष्प बोल के भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दिखा भी दिया है, आप इसको देख लें। और इस चीज को आप तैयार करके 8:30 बजे पहले, बहुत पहले सुबह से ही तोड़ के मत लाना, पहले जगह देख लेना कि कहाँ है, फिर संध्या समय जाके लाना, सुबह लाओगे शाम तक कुंभला जाएगा, और कुंभलने के बाद और किसी काम का नहीं रहेगा, आपने देख लिया है। तो अब हम आगे बात करेंगे, आपको लगेगा काला अबीर, और काला अबीर के बाद ये नीला पुष्प, नीला पुष्प के बाद लगेगा काला दशांग धूप पाउडर, काला दशांग धूप पाउडर बोले तो काला होना चाहिए, ब्राउन कलर का पाउडर नहीं चलेगा, काला दशांग धूप 1-5 रुपए का आप ले लेंगे तो बहुत हो गया, काला दशांग धूप लगेगा, काले तिल के तेल, तिल का तेल लगेगा, तिल का तेल और काले तिल के लड्डू लगेंगे आपके, 8 लड्डू छोटे छोटे आप घर में ही बना लें, उस लड्डू में आप शक्कर का चाशनी बना के काले तिल का लड्डू बना लें, 8 लड्डू बना के रख लें, दोपहर में सुबह में 8 लड्डू रहेगा। अब करना क्या है महाराज आप बता दीजिए, अगर आप कुलदेवी पर ज्यादा श्रद्धा करते हैं तो सुबह शाम पहले पूजा कर लिए नवरात्रि के प्रथम दिन, तो उसके बाद प्रार्थना करें कि मैं आपके श्री चरण में अत्यंत भक्ति भाव से आपकी दिव्य आशीर्वाद की कामना से मैं पंचोपचारी महापूजन कर रहा हूँ, इस पूजा का फल मुझे पूर्ण रूप से आपका आशीर्वाद और कृपा के रूप में प्राप्त हो, और उस कृपा के रूप से मुझे मेरे दुखों से मुक्ति हो, संकट से मुक्ति हो, ऋण बाधा रोग बाधा शत्रु बाधा से मुक्ति हो, और मुझे अपने मनोवांछित चीजों की प्राप्ति हो, ऐसे आप प्रार्थना कर ले, मैं साधक बोल रहा हूँ, आप समझ करके इस चीज को करिएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा अबीर लेके 8 बार अपने इष्ट पुरुष देवता स्त्री देवता कुल देवी किसी के भी चरण में 8 बार ऐसे एक एक चुटकी ले लेके 8 बार डालें। 8 बार डालने के बाद उस अबीर को जितना लिया था पूरा खाली कर दे, थोड़ा ही ले जितना लेना है, लेकिन फिर बचत ना रखें, उसको पूरा 8 बार में उनके चरण में 8वें बार में पूरा ही डाल दें, पूरा डाल के उसको अबीर को उनके चरण में डाल दें, काला अबीर होना चाहिए। वो होने के बाद 8 नीला पुष्प, अगर आपके गांव में नहीं मिल रहा अभी सीजन है, अभी ये बहुत सारे पुष्प चारों तरफ लगने लगे हैं, बेलों में पौधों में खूब लग रहे हैं, अभी सीजन है इसका, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ढूंढिएगा, 8 पुष्प चरण में चढ़ाओ, कम से कम एक चढ़ाना चाहिए, अगर आपको ना मिला तो ये कहीं से ढूंढ के पकड़ के लाओ, और यही पुष्प चलेगा, नहीं अगर मिल नहीं रहा है तो नीला कमल चलेगा, अगर ये नीला शंख पुष्पी अपराजिता नहीं मिला तो कई सिटियों में कई बड़े जगहों में नीला कमल मिल जाता है, तो ब्लू कमल, ब्लू कलर का कमल, वो कमल चढ़ सकता है, और कोई चीज नहीं चढ़ेगी, वो भी 8 की संख्या में चढ़ा सकते हैं नीला कमल, या एक नहीं मिला तो एक मिला तो जरूर 8 चढ़ाना चाहिए। ये चढ़ाने के बाद काला दशांग पाउडर लाके, वो काले दशांग पाउडर को थोड़ा सा कपूर डाल के जला के उसको फिर बुझा के धुआं करके उस धुआं के दानी को एक मिट्टी में लेके को मिट्टी के कसोरे में लेके 8 बार ऐसे घुमा के वहाँ पास में रख देना चाहिए, अच्छे से जला के, ताकि वो धुआं बुझ न जाए, अच्छे से जले, और ऐसे रख देना चाहिए। रखने के बाद एक दीपक का, मट्टी का दीपक लेके उसमें 8 बत्ती डालिए, यानी 8 दिशा में 8 मुख होना, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर अग्नि नैऋत्य वायु ईशान, 8 दिशा में 8 मुख हो, ऐसे 8 मुख वाला एक अच्छा सा दिया करके
उस दिए की बत्ती को भी काली रखिए, उस दिए का बत्ती काली होनी चाहिए, और काली बत्तियों वाला दिए को आठ दिशा में जला करके उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, उस दिए में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, तेल भी तिल का ही होना चाहिए, बत्ती भी काली होनी चाहिए, आठ दिशा में जलनी चाहिए। इसको अपने इष्ट देव के, आप जब खड़े होते हो इष्ट के सामने, तो आपके लेफ्ट साइड आपके डाबे बाजू रख दीजिए उस दीपक को, और जिमने तरफ आपके राइट साइड में धूप रख दीजिए। अब सामने एक मट्टी के छोटे से तट्टे में, प्लेट में, मट्टी के प्लेट में आठ तिल का लड्डू रख करके सामने रख दीजिए, और आठ बार आपकी मन की इच्छा का प्रार्थना करके नमस्कार करिए। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये गुफा के पत्थर को हटा के आशीर्वाद का खजाना देने जैसा है। साल भर में, छह महीने में, तीन महीने में इस क्रिया का असर कभी भी आ सकता है। जब आएगा मुझे याद करना कि ऐसा असर आया महाराज के जिंदगी पर, हम आपको याद करते हैं। ऐसा दिव्य असर देने वाला ये उपाय में आपको लगेगा काला अबीर, नीला शंख अपराजिता पुष्प या नीला कमल पुष्प, और काला दशांग धूप का पाउडर, और काले तिल के तेल में थोड़ा तिल डाला हुआ आठ मुखी बत्ती वाला दीपक, काली बत्तियां होनी चाहिए और आठ काला तिल। उस दिन की संयोग से ये चीज को जो करेगा, दैविक शक्ति को अपने घर में बहुत तीव्रता से आकर्षित करेगा, वो शक्ति अदृश्य रूप से कृपा बरसा देगी, और उस कृपा का फल जब कभी आए, लेकिन निश्चित आना चाहिए और आके रहेगा। ऐसे में इस महा उपाय की शक्ति से कहता हूँ कि ये शक्ति घर घर में भारत में पहुंचे, और नवरात्रि का ये जो दिव्य सहयोग आया है इस दिन, ये इस कार्य को करके अपने ही जीवन को नहीं, पारिवारिक वालों का ही नहीं, समाज का, देश का, सबका कल्याण करने के लिए इस उपाय का आप उपयोग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जीवन हो सफल, देवी की हो कृपा, हमारा जीवन सुख शांति मय, ईश्वर के, देवताओं के आशीर्वाद से बना रहे, गुरु कृपा बना रहे, संतों का आशीर्वाद बना रहे, यही मंगल कामना करते हुए इस उपाय को घर घर में करने के लिए आप अभी से सामग्री तैयार कर लें। यही मंगल आपसे अभिवर्तन करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करते हैं।